वडोदरा के समासावली इलाके में मौजूद कैनाल में आज एक युवा के बह जाने की खबर सामने आई है। दरअसल खोड़ियार नगर में रहने वाला एक युवा अपने दोस्तों के साथ कैनाल पर पहुंचा था। वहां पर अपने हाथ पैर धो रहा था, उसी दौरान पानी में पैर फिसल जाने के चलते ये युवा बह गया था। हालांकि युवा के दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवा बह गया और दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके बाद दमकल विभाग को इत्तला दे दी गई। वैसे इस युवा का नाम योगेश निनामा बताया जा रहा है और उसकी उम्र 18 साल है। इस मामले के मद्देनज़र जैसे ही दमकल विभाग को लाती गई, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अब तक उस युवा को ढूंढने की कवायद जारी है। अपने सिटी कमांड कंट्रोल बदावणी बाग जे मेन कंट्रोलर हो त्यां थी टीपीदर फायर स्टेशन ने समासावली केनाल ऊपर जे आ ईसम डूबेल हतो एनो बनाव बनेल हतो एनी जानकारी मळता फायर स्टाफ अहीं हाजर थई अने अत्यारे एनी शोधखोळ चालू करेल छे। एक माहिती मळती माहिती अनुसार योगेश भाई निनामा जे व्यक्ति डूबेल छे 17 वर्षनो छोकरो छे एम अहीं हाथपग मोडू धोवा सवारमां आवेलो हतो अने एना पेला ऊपर ते अहीं डूबी गयेलो हतो अने एनी माटे अत्यारे अमारी टीम शोधखोळ करी रही छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।